सर आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, अरे यार, यस, मेरा माइक म्यूट था तो इट्स ओके। मैक्सिमम लोग ज्वाइन हैं, 42-43 के आसपास हैं। तो इंजीनियरिंग कर्व्स में, कॉनिक सेक्शन कर्व्स में हमने इलिप्स, पेराबोला, हाइपरबोला की जनरल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में इलिप्स की जो स्पेशल मेथड है वो रेक्टेंगल मेथड, उस रेक्टेंगल मेथड को हमने डिस्कस किया था और उस रेक्टेंगल मेथड से इलिप्स को ड्रॉ करके देखा था। ठीक है, यस अब बाकी का जो मेथड्स हैं वो उसमें हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि जब तक आप ऑफलाइन आओगे तब तक हम क्या करते हैं कि क्योंकि मंडे से ऑफलाइन क्लासेस हैं, सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं अभी इंजीनियरिंग स्केल्स स्टार्ट करता हूँ और इंजीनियरिंग कर्व्स की जो और भी मेथड्स हैं वो मेथड्स मेरे पास क्लास की रिकॉर्डिंग है लास्ट ईयर की, तो मैं आपको उसका लिंक शेयर करूँगा। आप उस वीडियो को वॉच करिएगा और उसमें जो मेथड की स्टेप्स हैं उसको फॉलो करिएगा। उसमें डाउट वो तो आप नोट कर लीजिएगा और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप वो पूछ सकते हैं मेरे से। इज दैट यस क्लियर? सर, मतलब दिस अप्रोच इज ओके और नॉट? यस सर, यस यस सर, सर, आप बता दें, मतलब ये अप्रोच अगर ठीक है तो हम आगे बढ़ें और नहीं है तो फिर एक एक मेथड फिर डिस्कस करें। सर ठीक, आई थिंक ठीक है क्योंकि दैट इज अवेलेबल। आपको समझ में आ गया क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये क्लियर होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो मैं आज इंजीनियरिंग स्केल्स स्टार्ट करता हूँ। इंजीनियरिंग स्केल्स, ठीक है। तो अब इंजीनियरिंग स्किल्स क्या है, क्या बोलेंगे हम इंजीनियरिंग स्किल्स का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है इंजीनियरिंग स्किल्स मतलब? टाइप्स ऑफ स्केल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल दैट वी यूज फॉर इंजीनियरिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स जो इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ऐसा और कोई बताया ना? तो यहाँ पर शायद वो मतलब हो सकता है ऐसा कि इस रेंज से इस रेंज तक की जो हम मतलब मेजरमेंट्स लेते हैं सर, वैसे टाइप के स्केल्स रेंज से रिलेट हो सकता है। अच्छा, और कोई? सर कन्वर्जन स्केल्स जो हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और तो मे बी कुछ? अलग अलग टाइप से, जैसे सेंटीमीटर, इंचेस, और भी बहुत टाइप से मेजर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कुछ और बताएं? और क्या आपके दिमाग में आ रहा है? सर रेशो वाली स्केल्स जो मैप बनाने में यूज होती है, जो एक पर्टिकुलर साइज को एक्चुअल साइज से कंपेयर करते हुए बनाई जाती है। और ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल से हम चालू करते हैं। जनरल की
स्केल का मतलब क्या है, से दिस इज माय ड्राइंग है ना, ये मेरा ड्राइंग है और मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद में मैंने इसको भेज दिया कि दिस इज द ड्राइंग ऑफ माय प्रोडक्ट, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो नाउ यू हैव मेंशन सम डायमेंशंस, डायमेंशंस भी आपने दे दिए, सब कुछ कर दिया, बट ड्यूरिंग प्रोडक्शन इफ इट इज फेल्ट है ना, कुछ लगा कि देर इज सम डायमेंशन विच इज रिक्वायर्ड एंड इज नॉट गिवन, डायमेंशन कोई रिक्वायर्ड है इसमें से और जो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, जो इसमें प्रोवाइड नहीं किया है, किसी एक डायमेंशन की हेल्प लेना पड़ रही है उसकी, कि वो डायमेंशन के जो वो दैट डायमेंशन इज हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डायमेंशन हेल्पफुल है, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्राइंग पे हम कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट की ड्राइंग होती है, प्रोडक्ट की ड्राइंग बनती कहीं और है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहीं और होता है, पता है आपको ना? यस सर। जैसे R&D सेंटर हमारा जो है वो इंदौर में है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो भोपाल में है, या आउट ऑफ MP या गुजरात में, या वाइस वर्सा ले लें कि देयर इज अ कंपनी विच हैज R&D डेवलपमेंट सेंटर इन गुजरात अहमदाबाद में और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो पीथमपुर में, ऑटो क्लस्टर जो है यहाँ पर, तो पीथमपुर में वो पार्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो क्या होगा, R&D से प्रोडक्ट डिजाइन होगा, उसकी ड्राइंग होगी, वो ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगी, तो आ गई है ड्राइंग की, इसको मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन अब ऑल डायमेंशन आर गिवन बट देर इज अ नीड, कि जैसे कहा कि मैंने एक डायमेंशन की जरूरत पड़ गई, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस डायमेंशन को मैं यहां पर कैसे मेजर करूंगा, सो फॉर दैट आई विल यूज सम, मतलब ये जो ड्राइंग बनी है, ये जो ड्राइंग है इधर इट इज इन 1:1 रेशो और नॉट, यदि ये मेरा पेपर का साइज है A3 का, नाउ A3 का साइज जो है, ये पेपर A3 का, इस पेपर का साइज क्या है, बता सकता है क्या साइज है? A3 साइज डायमेंशन, A3 तो उसका नाम डेजिग्नेशन है ISO स्टैंडर्ड से, सो आई थिंक 490 × 297 और समथिंग, दिस A4 A3 इज A3 कंसिस्ट ऑफ टू A4 साइजेस, 297 × 420 mm, सो दिस इज, ठीक है, ये ऐसे करते हो, तो क्या साइज है इसका, ये A3 का साइज 210 × 297, ये A4 का है ना, और ऐसे दो हैं, तो ये A4 ये A4 दोनों मिला के जो है वो कन्वर्ट हुआ A3 में, तो ये हो गया 420 × 297, ठीक है। नाउ इस साइज में कोई प्रोडक्ट का यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसमें, तो वो 1:1 के रेशियो में होगा क्या, यदि वो प्रोडक्ट छोटा है, जैसे ये कंपास, ये कंपास को मैं इसका 1:1 डायमेंशन लेके यहां पे बना सकता हूं, है ना, आ जाएगा ना, ये जो कंपास है, ये कंपास की मुझे ड्राइंग बनानी है, तो मैं इसको मेजर करके बिल्कुल कि ये 100 है तो ये भी 100 है, तो 100 और 100 से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस है इतनी। लेकिन यदि दूसरा प्रोडक्ट देखें कि ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ये भी इसमें अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज एक्चुअल साइज शीट के साइज से छोटा है, तो ये भी 1:1 के रेशो में आ जाएगा। लेकिन कोई पार्ट यदि बड़ा है, सपोज कि ये कीबोर्ड मैंने लिया ना, ये कीबोर्ड, ये कीबोर्ड कि जो ड्राइंग है ये पूरी 1:1 के रेशो में बना सकता हूं मैं, कि इसको मैं जितना ये एक्चुअल है, जितना ये एक्चुअल है उतना ही ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करूं,
हो सर। क्योंकि लिमिटेड आ गई कि नो अब ये पेज के साइज के बराबर हो गया है या उससे बड़ा हो गया है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में? हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, स्केल बनाते हैं, ठीक है, एक स्केल फैक्टर लेते हैं कि ड्राइंग शीट पर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है, ये इस लाइन की लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी है, इस लाइन की एक्चुअल लेंथ कितनी है, ठीक है, और लेंथ ऑन ड्राइंग शीट, बात समझ में आई? यस। एक ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ होगी और एक उस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उस पर भी उसकी कुछ लेंथ होगी, वो लेंथ एक्चुअल लेंथ भी हो सकती है, मतलब ये दोनों इक्वल का केस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ड्राइंग शीट पर लेंथ एक्चुअल लेंथ से बड़ी हो, या ऐसा हो सकता है कि ड्राइंग शीट पर एक्चुअल लेंथ मतलब ड्राइंग शीट पे जो लेंथ है ड्राइंग पर वो एक्चुअल लेंथ से छोटी हो, समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ में आ रहा है? यस सर। दो चीज, सर, आ रहा है, एक है यस सर की एक्चुअल लेंथ मतलब ट्रू लेंथ, जो लेंथ बोले या ट्रू लेंथ बोले, ठीक है, और एक लेंथ है जो ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट की है लेंथ, जैसे ये पेन, यहां से एग्जांपल देख लेते, चलो मेजर कर लेगा इसको, चलो मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे रखा हमने और यहां से लेके यहां तक, ये है, इट इज 147 mm, ठीक है, 147 mm की लेंथ है, 147 mm की लेंथ, ठीक है, इसका डायामीटर कितना है, तो उसका डायामीटर भी आप मेजर कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली यदि हम बोलें बात करें तो डायामीटर इसका जो है वो है 10, इट इज अप्रोक्सीमेटली जो है वो 8 mm के नजदीक आया है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर ऑफ दिस, इसको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम ट्रीट कर सकते हैं, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? तो नॉर्मली यदि मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की बात करूं तो मैं इसके दो व्यूज बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दो व्यूज मतलब, एक मिनट, हाँ माइक ऑफ है,
सॉरी देर इज सम अर्जेंसी, कुछ अर्जेंसी आ गई थी कुछ। तो हम कहाँ थे? हम लेंथ ऑन ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट पर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ और एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या ट्रू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों लेंथ बराबर भी हो सकती है, ड्राइंग शीट पर लेंथ बड़ी भी हो सकती है और ड्राइंग शीट पर लेंथ छोटी भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ कि बड़ी कब होगी शीट पर? सर जब कोई चीज बहुत छोटी हो और शीट बड़ी हो। हाँ, तो इसको हम बना सकते हैं? यस सर। दिस ऑब्जेक्ट इस केस में इक्वल हो सकती है? यस सर। नाउ लेट मी टेक अनदर ऑब्जेक्ट, कि उस केस में बराबर ले सकते हैं क्या? सर्च दैट ऑब्जेक्ट, मिल जाता है नो सर। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकती है? सर बड़ी होगी। देखो ये ऑब्जेक्ट कितना छोटा है ना, बड़ी होगी तो इसको हम बराबर नहीं ले सकते इस केस में? नो सर। तो जब नहीं ले सकते ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट हो उस केस में, जो ड्राइंग शीट पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में जो ड्राइंग शीट पे इसकी लेंथ होगी या इसके डायमेंशन होंगे वो डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन से बड़े होंगे। ठीक है, समझ में आया? या कोई क्वेश्चन है? ये समझ में नहीं आया तो प्लीज। हाँ ठीक है ना, देखो एक्यूरेटली मैं इसमें इसमें यहां पर जो है वो ये थ्रेड्स ये कटे हुए हैं, अंदर थ्रेड है इसमें होल के अंदर और ये बाहर ये नर्लिंग है, ये ऐसी कट्स लगे हुए हैं नर्लिंग। तो सिंस इट इज नॉट विजिबल, आपको तो दिख भी नहीं रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास में कैमरे का फोकस नहीं तो आपको नजर दिख नहीं रहे होंगे। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट हुआ छोटा, इसको एक्चुअल डायमेंशन से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उस केस में हम शीट पर जब डायमेंशन लेंगे ना तो वो डायमेंशन क्या होंगे? एक्चुअल डायमेंशन से बड़े होंगे। ठीक है, तब हम ये ज्यादा लेंगे एक्चुअल लेंथ के कंपैरिजन में। और छोटा कब लेंगे? जब वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे हमने कीबोर्ड का एग्जांपल लिया था, कीबोर्ड को यहाँ पे रखा था तो वो शीट से बड़ा हो रहा था, है ना, कि उस पेपर साइज में मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो कि जो हमारा पेपर साइज है उसमें वो इक्वल में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सके, तब हम उसको लेस देन उसकी लेंथ कम करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे उसके डायमेंशन रिड्यूस करके करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि बढ़ाना है, बड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करना है और छोटा रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कितना बड़ा करूं मैं और कितना छोटा करूं मैं? कितना बड़ा करूं कितना छोटा करूं कि वो रिप्रेजेंट हो जाए? सर शीट साइज पे डिपेंड करेगा कितना बड़ा करना है। ठीक है, शीट साइज पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन एक ये भी है कि भैया वो जो डायमेंड वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो डायमेंशन है उसका 1.5 टाइम्स करूं, 1.2 टाइम्स करूं, 1.1 टाइम्स करूं कि 2 टाइम्स करूं कि 3 टाइम्स करूं कि 4 टाइम्स करूं कि 5 टाइम्स करूं? ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। दूसरी चीज, कम करना है तो उसको जो मैं कम करूं तो उसको आधा ले लूं या 1/4 ले लूं या 1/3 ले लूं,
या 1/5 ले लूं, कितना कम करूं, ठीक है। तो ये जो होती है कि कितना लेना है, कितना बड़ा करना, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सेट करते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन है वो? वो रिलेशन है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्रॉइंग शीट या ड्रॉइंग ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग शीट नहीं थी ऑन ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यही रिलेशन में देखो, ये लेंथ ऑन ड्राइंग और ये हो गया एक्चुअल लेंथ, इन दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन सेट कर दी कि लेंथ ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है। या इसी को इस तरह से लिखा कि लेंथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग डिवाइडेड बाय लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू सम फैक्टर एंड दैट इज नोन एज द स्केल फैक्टर। इसको हमने ले लिया स्केल फैक्टर, ठीक है। क्या लिया इसको? इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशन हमने सेट की? लेंथ ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू स्केल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ या लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू स्केल फैक्टर, ठीक है। स्केल फैक्टर या इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, RF, स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। इस समझ में आया? यस सर। तो ये रिलेशन हमने सेट कर दी। अब ये जो RF या स्केल फैक्टर है ये क्या लेना है, ये फैक्टर कितना लेना है, ठीक। तो ये फैक्टर जो है, यदि ये फैक्टर 1 के बराबर है तो जो स्केल बनती है उसको कहते हैं फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। और ये फैक्टर लेस देन 1 है, ठीक है, ये फैक्टर लेस देन 1 है तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड स्केल। और ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम कहते हैं इनलार्ज स्केल, ठीक है। यस सर। यस सर। समझ में आता। इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको। फोटोकॉपी तो कराई होगी आप लोगों ने? यस सर। बोर्ड्स की फोटोकॉपी कराते हैं ना? यस सर। तो नोट्स की फोटोकॉपी जब आप कराते हैं तो एक तो होता है कि जिस साइज की आपकी नोटबुक है, यदि पेपर का साइज भी वही है तो आप फोटोकॉपी वाले को बोलते हो कि इसकी फोटोकॉपी कर देना, वो कर देता है, तो दैट इज 1:1, है ना। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट रहता है कि मुझे फोटोकॉपी कुछ इस तरह से चाहिए कि मुझे पॉकेट में भी आ जाए, मैं पॉकेट में रख लूँ छोटा सा जिसमें मैं रीड कर लूँ और हैंडी रहे मेरे साथ, या डायरी छोटी डायरी के फॉर्म में जो है वो उसको लेकर कैरी कर सकूं मैं, तब आप उसको क्या बोलते हो? फोटोकॉपी। कि मुझे इसको छोटी कॉपी चाहिए, इस साइज में चाहिए, तो क्या करते हैं, रिड्यूस्ड स्केल यूज करता है वो। दिस इज 100%, ठीक है। ये लेस देन कितना उसका लेस करना है, तो ये 90% रिड्यूस करना है या 80% रिड्यूस करना है या 50% रिड्यूस करना है, उस तरह से चलता है।
इनलार्ज में क्या करना है कि 110% करना है या 150% करना है या 160% करना है, इस तरह से सेट करते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल कि आधार कार्ड है या आपका आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, जब आप उसकी फोटोकॉपी कराते हो तो आप क्या बोलते हो कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, पेज पे दिख जाए। कराइए कि नहीं आप लोगों ने ऐसे? यस सर, करवाया है। सो रिलेट दैट प्रोसेस कि वो क्या हो रहा है, स्केलिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ केसेस में हम स्पेलिंग स्केलिंग डाउन करते हैं, कुछ केस में स्केल अप करते हैं और कुछ केस में बराबर रखते हैं। तो वो दैट इज द रीजन, ये है चीजें। जब हम सेम साइज में स्केलिंग करते हैं तो फुल साइज स्केल कहलाता है, जब छोटा फॉर्म में हम उसको करते हैं तो रिड्यूस्ड स्केल, और जब बड़ा करते हैं तो उसको इनलार्ज स्केल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। चलो थोड़ा आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो तो अब ये जो स्केल फैक्टर है, ये स्केल फैक्टर या आरएफ, स्केल फैक्टर का जो स्टैंडर्ड है, इस पर हम स्टैंडर्ड, तो रिड्यूस्ड स्केल के लिए इट इज स्टैंडर्ड, देयर इज अ सीरीज 1/2, देयर इज सीरीज 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट इसमें पहला 1/2, फिर इसमें 1/20, 1/200, 1/2000, 1/20,000, 1/2 lakh, 1/20 lakh, इस तरह से स्केलिंग होती है। यहाँ पर 1/3 के सीरीज में क्या होगा, नेक्स्ट होगा 1/30 का, फिर नेक्स्ट होगा 1/300 का, इस तरह से। सिमिलरली इसमें भी 1/40 का होगा, देन 1/400 एंड 1/4000, 1/40,000, 1/4 lakh, 1/40 lakh और सो ऑन, और इसमें 1/50, और ऐसे करके ये 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसे और सीरीज और ऐसे सीरीज है, ये रिड्यूस्ड स्केल की सीरीज है। इनलार्ज स्केल में ये फैक्टर किस तरह से लेते हैं, स्टैंडर्ड जो फैक्टर्स हैं, वो स्टैंडर्ड फैक्टर्स है 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times and so on, और फिर नेक्स्ट 20 times, 200 times, 2000 times, 20,000 times एंड सो ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट 30 की सीरीज है, यदि 3 की सीरीज है तो उसमें 3 times, 30 times, 300 times और सो ऑन, इस तरह से, यस, ठीक है, दिस इज ओके। इतना समझ में आया? यस सर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये लेने का तरीका, स्केल फैक्टर लेने का तरीका, यदि ये स्केल फैक्टर हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है कि 1/2 है या 2 है या 2/30 है, तो उस तरह से फैक्टर, इसको हम कहते हैं, इस तरह से फैक्टर लेते हैं तो उसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है। इंजीनियरिंग स्केल, इसको लेकर जब हम स्केल बनाते हैं तो उसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्केल। इसमें क्या होगा, दिस इज वेरी सिंपल, कि यहां पर हमें ड्रॉ करना है तो कोई भी डायमेंशन है, इनलार्ज है तो उसका 2 times ले लो, उसका 3 times ले लो, उसका 1.5 times ले लो, जो भी ले रहा है उस तरह से लेकर हम बना देते हैं। रिड्यूस स्केल है तो 1/2 कर लो, 1/4 कर लो या 1/3 कर लो, इस तरह से लेकर जो है वो हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। द मेथड इज वेरी सिंपल। सी एग्जांपल, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि इस स्केल फैक्टर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने में, मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं इसको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, दैट इज एनालिटिकल मेथड में हम इसको यूज करते हैं, या सॉरी ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल ग्राफिकल मेथड हो गई और एनालिटिकल मेथड हो गई। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये स्केल फैक्टर यूज करते हैं, क्यों,
क्योंकि फोर्स की यदि बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन ले लो या केजीएफ ले लो, है ना, या पौंड ले लो, जो भी है, वट एवर में भी जो यूनिट है वो। और ड्राइंग शीट पर जब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ड्राइंग शीट पे यूनिट क्या रहेगी? वो लेंथ की यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर हो गई या मिलीमीटर हो गई या डेसीमीटर हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये फोर्स की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन वो ये सेट करता है, ठीक है। जैसे हमने किया कि से ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे यहाँ पर ये एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एक इधर लग रहा है, ये किधर लग रहा है, ये फोर्स एक इधर लग रहा है, ये फोर्स से 5 न्यूटन का है, ये फोर्स जो है 8 न्यूटन का है, ये 12 न्यूटन का फोर्स है, से दिस इज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, सो देयर इज एन एनालिटिकल मेथड इज आल्सो देयर। हम इसको रिजॉल्व करेंगे, एंगल्स मालूम रहेंगे, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे इन कंपोनेंट्स को, सिग्मा एच निकालेंगे और सिग्मा वी निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट के लिए ये वाला जो रिलेशन है वो लेकर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, एनालिटिकली कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके कर लेंगे। देयर इज अनदर मेथड, ग्राफिकल मेथड, मतलब वेक्टर जैसे, मतलब ग्राफिकल मेथड भी है इसकी। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ओ से ये ए वेक्टर ले लो, ये बी फोर्स ले लो, ये सी फोर्स, ये डी फोर्स ले लो, जो पॉलीगन मेथड कहलाती है जिसमें हम यूज करते हैं इसको। तो ना यहां पर हम इसको एक वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉलीगन मेथड कहलाती है ये, ए बी सी डी हमने बना लिया, ओ ए बी सी डी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे किया कि ओ ए जो है यहां पर ड्राइंग पे, ये जो लेंथ है वेक्टर की लेंथ, ये वेक्टर की लेंथ सेंटीमीटर में होगी या एमएम में होगी, तो वो कितनी होगी, तो उसके लिए हमने एक स्केल फैक्टर लिया, सिलेक्ट 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग शीट रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ये मेरा स्केल फैक्टर हो गया। तो इस तरह से मैं ये ले रहा हूं, तो ये मैं इंजीनियरिंग स्केल बना रहा हूं। तो मैंने ये कितनी लाइन कितनी लंबी ड्रॉ करूंगा इसके लिए, ओ ए मतलब ये वाला रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिया 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को, तो ये 15 सेंटीमीटर की लाइन होगी मेरी, ठीक है। ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर की होगी, ये लाइन 12 सेंटीमीटर की होगी। नाउ दिस पॉलीगन इज ओपन, इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी ये मुझे इसका रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगी, रिजल्टेंट फोर्स कितना तो लगेगा वो ये क्लोजिंग साइड। तो अब मैं क्या करूंगा, कितना रिजल्टेंट आया इसको मेजर कर लूंगा, तो इसको मेजर कर लूंगा तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन, मेरे पास ये रिलेशन है कि सपोज ये करने के बाद में जो रिजल्टेंट है वो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है से 10 न्यूटन, मतलब 10 सेंटीमीटर की लेंथ है ये, ओडी लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, माय यूनिट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर कितना फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन सर, 10 न्यूटन का रिजल्टेंट मिल गया। एंड व्हाट अबाउट द एंगल, एंगल कितना होगा, सो आई विल मेजर विथ दिस कि यहां से इतना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल वो भी मिल जाएगा। तो
कर लूंगा, तो मैं इस तरह से वर्क कर रहा हूं तो ये कहलाता है मेरा इंजीनियरिंग स्केल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये तो एक फोर्स और लेंथ का था, से यही वाला, जैसे ये हमारी डायमेंशन थे पेन के, इस पेन के डायमेंशन, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि दिस इज हाउ द पेन इज रिप्रेजेंटेड। मैंने इसको 147 mm न लेते हुए इसको मैंने कुछ अलग लेंथ से रिप्रेजेंट किया। ठीक है कि 147 नहीं, मैं तो इसका जो है हाफ करूंगा, 50% इसको रिड्यूस करके मैं ड्रॉ करूंगा, तो मेरी ये जो यहाँ लेंथ होगी ये कितनी होगी, दिस विल बी 147/2। ठीक है, तो मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी डायमेंशन होंगे इस ऑब्जेक्ट के मैं उसको मेजर करूंगा और शीट पर उसको जब ड्रॉ करूंगा तो इसका आधे में ड्रॉ करूंगा, आधे में ड्रॉ करूंगा। ठीक है, बराबर समझ में आया कि नहीं? यस सर। आधे में लेकर मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, तो ये है मेरा एक्चुअल लेंथ है 147 mm की, जबकि मैंने यहाँ पर ड्राइंग शीट पर बनाई है इसको 147/2 mm, और ये जो है एक्चुअल 8 mm है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बनाया है 4 mm। तो मैं जब डायमेंशन दूंगा तो डायमेंशन में तो मैं इसको ये लिखूंगा 147 और यहाँ लिखूंगा 8। ठीक है, इसका मतलब ये एक्चुअल लेंथ है 147 और ये 8 mm, लेकिन मैंने इसको बनाने के लिए जो लेंथ यूज की है ड्राइंग शीट पर वो इसके हाफ लिए, तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखूंगा, नोट क्या, स्केल कितनी है 1:2 की स्केल। ठीक है, 1:2 की स्केल है, तो इसको मैंने बनाया। द मेथड इज वेरी सिंपल, हमें क्या करना, कुछ नहीं भैया, उसका आधा कर ले, 1/3 कर ले, 1/4 कर ले, या 2 गुना कर ले, 3 गुना कर ले, या 4 गुना कर ले, या 5 गुना कर ले, कितना भी कर ले, रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिंपल है ना मेथड? यस सर, दिस मेथड इज सिंपल। यस सर। ठीक, तो इस तरह से यदि हम फैक्टर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्केल्स। नाउ ये स्केल बहुत सिंपल है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। वो क्या डिसएडवांटेज है कि दैट स्केल का डिसएडवांटेज नहीं है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। ये जो पेपर है, शीट है, ये पेपर जब पुराना हो जाता है ना, व्हेन इट बिकम्स ओल्डर, तो इस पेपर की एक खासियत है, वो ये है कि ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, साइज में थोड़ा श्रिंक होता है। आपने बोला कि आज रखा और कल, तो श्रिंक नहीं, टाइम के साथ में जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब कोई यदि हम बात करें कि कोई पुराना मैप, 25 साल पुराना मैप हमने लिया या 25 साल पुरानी ड्राइंग ली, तो उस ड्राइंग को जब हम लेंगे तो वो जो पेपर है, तो पेपर की प्रॉपर्टी के कारण कि पेपर हल्का सा श्रिंक होता है, तो जब पेपर श्रिंक होगा तब क्या चेंजेस होंगे, बता सकते हो क्या चेंजेस होंगे? क्योंकि हमने तो वहां पे मेंशन किया ही है, नोट स्केल फैक्टर गलत हो जाएगा, तो ये 1:2 स्केल है, लेकिन जब ये पेपर श्रिंक होगा तो ये जो इस पे लाइनें बनी हुई है ये भी श्रिंक होगी, और हमने यहां मेंशन किया कि 1:2 है तो हमने इसको मेजर कर लेंगे, तो ये एक्चुअल लेंथ जब क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं चेंज? भाई बात समझ में आ रही है? यस सर। कि 1:2 है और पेपर श्रिंक हुआ, तो पेपर श्रिंक हुआ तो क्या होगा, अभी इसको मेजर करेंगे हम तो 1:2 का स्केल है, तो अभी इसको मेजर करेंगे तो हमें कितना आएगा, 147/2, मतलब 147 mm की मिल जाएगी लेंथ, लेकिन जब पेपर श्रिंक होगा तो ये लेंथ कम हो जाएगी, तो जब हम इसको मेजर करेंगे से, जब ये पेपर श्रिंक हुआ तो जब हमने इसको इसको मेजर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 और ये 3,
73.5 है ना, अभी इसकी लेंथ 73.5 है, लेकिन जब पेपर श्रिंक हुआ तो इसकी लेंथ हो गई 73.49012 या 491, इतनी मेजर हुई। तो हमने इसका क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो गई, एक्चुअल लेंथ वेरी करने लग जाएगी अब तो, जबकि ऐसा है क्या, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ कम होगी क्या कभी, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो उतनी रहेगी, लेकिन पेपर पर जो उसका रिप्रेजेंटेशन था मतलब वो स्केल फैक्टर गड़बड़ा जाएगा, हम करेक्टली उसकी लेंथ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और यदि ड्राइंग जो है डायमेंशन ड्राइंग कोई मैप में है, मैप में यदि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो सिंस जो मैप में डिस्टेंसेस होती हैं, आज इंदौर भोपाल की जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, 10 साल बाद क्या वो डिस्टेंस कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? नो सर। लेकिन इस स्केल से हम यदि यूज करेंगे इस ऐसा स्केल फैक्टर तो पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है ना। तो फिर ये तो एक इसका स्केल का एक डिसएडवांटेज हो गया। स्केल इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, हमें ऐसा फैक्टर लेकर ड्रॉ कर देना, लेकिन पेपर की प्रॉपर्टी के कारण हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो देर में भी चांसेस ऑफ एरर, टाइम में एरर के चांस आ सकते हैं। तो व्हाट इज द अल्टरनेट वे, इसका दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का? तो दूसरा तरीका इसका रिप्रेजेंट करने का ये है कि इस तरह से फैक्टर देने की बजाय हम क्या करते हैं, स्केल बना लेते हैं, ग्राफिकल स्केल, वी यूज ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल, हम ग्राफिकल स्केल बना लें। कैसे ग्राफिकल स्केल बना लें, कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन सच अ वे, इस तरह से लिखने की बजाय हम क्या करें, हम यहां पर ड्राइंग शीट पर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, और यहां पे जीरो लिख दें और यहां पे लिख दें 10 mm, इसको लिख दें कि mm यूनिट में, तो 0 to 10, और फिर इसके फर्दर 10 पार्ट्स कर दें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर दें कि ड्राइंग शीट पर ये लाइन की जो लेंथ है वो इतनी है, ये वाली लेंथ, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी ड्राइंग शीट पर, कि ये जो ड्राइंग शीट पे ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये लाइन की लंबाई इतनी है। ऐसे फैक्टर देने की बजाय हम उसको ऐसे कर देते हैं, और ऐसे करके मतलब जैसे ये 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस की लाइन है, तो ये 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस की लाइन बनाना तो हम यहाँ 2 यूनिट इसके मेजर करके यहाँ पे बना लेंगे, 3 यूनिट बनाना तो इसके 3 करके यहाँ बना लेंगे, 4 करना है तो इस तरह से 4 बना लेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। तो अब इससे क्या होगा, वो जो पेपर की श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी थी, श्रिंक होगा तो इसमें वेरिएशन डायमेंशन के मेजरमेंट में कुछ वेरिएशन आ जाएगा, वो नलीफाई हो गया। यू गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट? यस सर। ये ग्राफिकल स्केल समझ में नहीं आता। ग्राफिकल स्केल मतलब ये मैंने, चलो इसको इस तरह से मैं समझाता हूँ कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फैक्टर है ना 1/2 और ये करके, मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे बना दी ड्राइंग शीट पर, ये बना दी, कितनी लेंथ की बनाई है वो भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पर अब एक लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो लेंथ है ड्राइंग शीट पर ये 10 mm की लेंथ है, मतलब ड्राइंग शीट पर कहीं भी इतनी बड़ी लाइन होगी तो वो कितनी लेंथ की एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, 10 mm को, ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। तो अब जब भी मतलब या मान लो पुराना हो गया, पेपर भी हो गया, श्रिंक भी हो गया, कुछ भी डायमेंशन में हो रहेगा, तो ये ड्राइंग जब श्रिंक होगी
तो ये स्केल भी श्रिंक होगा, ये लाइन भी श्रिंक होगी उसी रेशो में। यस सर। तो आज की डेट में ये 10 mm की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही, तो 50 साल भी ये 10 mm की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। यस सर। इसका डिसएडवांटेज था वो यहाँ पर नलीफाई हो गया ना। यस सर। तो इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केल को, तो उसको कहते हैं ग्राफिकल स्केल। और आप देखना मैप में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक लाइन बनी हुई रहती है, जिसमें एक साइड जीरो लिखा हुआ रहता है और दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर्स की यूनिट लिखी रहती है या माइल्स की यूनिट लिखी रहती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, कि वो कितना भी पुराना हो जाए वो इफेक्ट एरर वाला उसको मिनिमाइज किया जा सके कंप्लीट। तो ये जो स्केल है, अब ये यहां पर देखें तो अब ये 10 mm की एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मेरी जो लेंथ है वो 10.1 mm भी तो हो सकती है, 10.25 mm भी तो हो सकती है। तो 10.1 mm कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यहां पर, हो सकता है 10.1 एक्यूरेटली कि मैं इस लाइन सेगमेंट के 10 डिविजन्स कर दूं, 10 डिविजन्स कर दूं तो मुझे ये जो डिविजन होगा ये 1/10 डिविजन होगा इसका। यस सर। तो 10.1 कैन बी मेजर कर सकता हूं आसानी से इससे। यस सर। लेकिन 10.25 एमएम को मेजर करना है तो ये स्केल मेजर कर पाएगा नहीं कर। क्यों? क्योंकि हमें ये जो छोटा सा डिवीजन है ना, ये छोटा सा डिवीजन ये, इसको और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके और फर्दर डिविजन्स तो इस जिस तरह से मैंने अभी कर रहा हूं उस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो इस तरह से मैंने एक ये जो स्केल कंस्ट्रक्ट किया ये वाले के लिए, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन से। वो क्या क्लासिफिकेशन है? अब वो क्लासिफिकेशन ये हैं, ग्राफिकल स्केल इज क्लासिफाइड एज, ग्राफिकल स्केल इज क्लासिफाइड एज, नंबर वन प्लेन स्केल जो कि रीडिंग देगा एक्यूरेट रीडिंग, हाँ, अप टू सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल। भाई 10.1 तो यहां से मेजर हो जाएगा एक्यूरेटली, लेकिन 10.12 हुआ तो मेजर नहीं हो पाएगा। 10.1 दे देगा, 10.2 दे देगा, 10.3 दे देगा, लेकिन 10.39, 10.25 यहां मेजर नहीं कर पाएंगे। ये प्लेन स्केल सिर्फ डेसिमल के बाद में सिंगल डिजिट तक की जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेटली देगा। तो हमें तो दो डिजिट डेसिमल के बाद दो डिजिट तक की रीडिंग एक्यूरेटली चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा स्केल है ट्राइगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। ये दोनों स्केल जो है वो टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ये एक्यूरेट रीडिंग देंगे आपको। टेन पॉइंट टू फाइव आप इस डायगोनल स्केल से भी मेजर कर सकते हो और वर्नियर स्केल से भी मेजर कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज वर्नियर स्केल इज मोर प्रेसाइज देन द डायगोनल स्केल। ठीक है, ये डिफरेंस है। मतलब डायगोनल वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी मोर एक्यूरेट होगी देन एज कंपेयर टू द डायगोनल स्केल। फिर एक स्केल और बनता है दैट इज कंपेरेटिव स्केल बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेशन एक ये भी है कंपेरेटिव स्केल। कंपेरेटिव स्केल, ये कंपेरेटिव स्केल क्या करेगा? ये स्केल को देखो,
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव स्केल. कुछ समझ में आया कैसे कंपैरेटिव स्केल? दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ जो स्केल बनाते हैं ना उसको कहते हैं कंपैरेटिव स्केल. सो दिस इज अ प्लेन कंपैरेटिव स्केल जिसमें एक साइड में ये एमएम या सेंटीमीटर की यूनिट है और दूसरी तरफ यहां पर सॉरी ना इसमें भी एमएम और सेंटीमीटर है. मे बी आई थिंक आई विल टेक अनदर स्केल. ये स्केल दिस स्केल ये वाला स्केल ऑब्जर्व करो. इस स्केल में क्या है सर? सेंटीमीटर और इंच. यहाँ पर है एमएम या सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 और नीचे यहाँ पर ये देखो ये 1 बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज 1 दिस इज 2 3 4 5 6 सो दिस इज इन इंचेस. ठीक है ये इंच में है तो ये इंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और ये सेंटीमीटर या एमएम यूनिट्स है मैट्रिक्स सिस्टम और इन सिस्टम. ठीक है तो इस तरह से दो यूनिट्स ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हुए जो स्केल बनेगा इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल. ये कंपैरेटिव स्केल कहलाता है. ये दिस इज कंपैरेटिव स्केल. समझ में आया कंपैरेटिव स्केल? यस सर. सो दिस इज अ प्लेन कंपैरेटिव स्केल. इससे हम डेसिमल के बाद में सिंगल डिजिट ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. तो इससे ही वी कैन वी मे हैव कंपैरेटिव वर्नियर स्केल और कंपैरेटिव डायगोनल स्केल. ठीक है फिर एक स्केल और होता है क्लासिफिकेशन स्केल. स्केल कैसे है ये है स्केल ऑफ कॉर्ड. वन से लेके फोर तक जो स्केल्स हैं ये लीनियर स्केल्स कहलाते हैं. लीनियर इनको कहते हैं लीनियर स्केल. जबकि पांचवें नंबर पे जो स्केल ऑफ कॉर्ड्स है ये कहलाता है एंगुलर स्केल. एंगुलर स्केल एंगुलर स्केल दीज आर यूज्ड टू मेजर द लीनियर डिस्टेंसेस और ट्रांसफर द लीनियर डिस्टेंसेस. व्हेन दिस स्केल ऑफ कॉर्ड्स इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर डिस्टेंस. एंगल मेजर करने के लिए जैसे हमारे पास ये प्रोटेक्टर इससे हम ये एंगल मेजर करते हैं. प्रोटेक्टर नहीं हो तो हम एक स्केल बनाते हैं उससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं. सर मयंक का माइक ऑन है. मयंक आर यू देयर? यस सर प्लीज. तो समझ में आया दिस इज लीनियर लेंथ की यूनिट. ये एंगल मेजर करने के लिए हम इस स्केल को यूज करते हैं स्केल ऑफ कॉर्ड्स. ठीक है इतना समझ में आया अभी तक? यस सर. आगे बढ़े थोड़ा सा? यस सर. यस सर. प्लीज अगर किसी को लग रहा है कि कुछ लेक्चर हेवी हो रहा है तो बता दीजिएगा. एनीवन किसी को भी सर ये स्केल ऑफ कॉर्ड्स रिपीट कर दीजिए. स्केल ऑफ कॉर्ड बेटा हम एंगल बनाने के लिए यूज करते हैं या एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है ओके. बाकी ये लेंथ के डायमेंशन मेजर करने के लिए 1 से लेकर 4 तक के स्केल्स. ठीक है आगे बढ़े. यस सर. यस सर. या किसी को भी यदि ऐसा लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है या हेवी हो रहा है या हमें अब माइंड जो है वो उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया आप तो बोल रहे हो तो बता दें अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे बढ़े. बढ़े आगे? यस सर. नो सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ.
कि इफ किसी को फील हो रहा है या मैक्सिमम आप में से चाह रहे हैं कि नहीं सर लेक्चर बड़ा हो गया है थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, तो फिर यस सर थोड़ा सा रिलैक्स यस सर कर दो सर यस सर। तो बस मैं दो मिनट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना? यहाँ तक तो समझ में आया? यस सर। तो अब सर ये वाला समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं आया सर? ये स्केल ऑफ कोर्ड्स सर और ये सर लीनियर एंगुलर स्केल का सर। देखो ये सारे स्केल 1 से लेके 4 तक से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। लेकिन एंगल मेजर करना है तो एंगल मेजर करने के लिए हम स्केल ऑफ कोर्ड्स यूज करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट में काम आता है, ठीक है? यस सर। तो अब दो मिनट में रैप अप कर रहा हूं, है ना? क्या कि ग्राफिकल स्केल बनाना है, समझ में तो आ गया हमको कि ये लेंथ मेजर करेंगे और ये एंगल मेजर करेगा, लेकिन ये बनेगा कैसे? इसको बनाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? तो इसको बनाने के लिए ग्राफिकल स्केल है, तो इनको बनाने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट स्केल्स, इंजीनियरिंग स्केल्स, ग्राफिकल वाला नंबर वन हम डिस्कस कर चुके हैं क्या रिक्वायरमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल फैक्टर, दैट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नहीं होगा तो हम ये कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि इस स्केल से कौन सी यूनिट को मेजर करना है, सेंटीमीटर चाहिए कि एमएम चाहिए, मिलीमीटर चाहिए कि डेसीमीटर चाहिए कि डेकामीटर चाहिए, किलोमीटर चाहिए, माइल्स चाहिए, इंच चाहिए, कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ये स्केल चाहिए? देन थर्ड लेंथ ऑफ स्केल, कि उस स्केल की लंबाई कितनी होगी जो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करेगा और जिसका आरएफ इतना होगा, कैसे लेंथ ऑफ द स्केल ये बताओ। इस स्केल की कुछ लेंथ है? यह इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेंथ लेंथ। मैं इससे कितना डायमेंशन मैक्सिमम मेजर कर सकता हूं? हियर इट इज रिटन इज 25 सेंटीमीटर। इस स्केल पे ये वाले पे यहाँ पे मैं कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता हूँ? हियर इट इज रिटन इज 15 सेंटीमीटर। इससे बड़ा मेजर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता सर। इस स्केल से हियर इट इज इंच यूनिट 7.5 इंच और इधर से बात करें तो इट इज 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर मैं नहीं कर सकता और 7.5 इंच से ज्यादा मैं मेजर नहीं कर सकता। तो इसकी लेंथ है स्केल की कुछ। तो ऐसे ही ये जो हम ग्राफिकल स्केल यहां पर बनाएंगे, उस ग्राफिकल स्केल की लेंथ कितनी होगी, मतलब कितना मेजर कर सकता हूं, कितना बड़ा स्केल, ये इसकी लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, कितना लंबा स्केल है जो कि 25 सेंटीमीटर मेजर करेगा, इस लेंथ की कितनी है इसकी लंबाई स्केल की, और ये स्केल की भी कुछ लंबाई है, लेंथ ऑफ द स्केल, ये वाला स्केल की भी कुछ लंबाई है, लेंथ ऑफ द स्केल, ठीक है? फिर एक ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा स्केल होता है उसकी भी कुछ लेंथ है, तो इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द स्केल, कि कितना बड़ा स्केल बनाना है, ठीक है? कितना बड़ा स्केल बनाना है, एक ये भी रहता है इस तरह का रोलिंग वाला जिसकी लेंथ ज्यादा होती है ना? तो
चीजें हमें इस स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है. एक ये फैक्टर क्या है, दूसरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, और तीसरा उस स्केल की लंबाई कितना है. तो ये कैसे निकालेंगे. लेंथ ऑफ द स्केल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड मैक्सिमम डायमेंशन टू बी मेजर्ड. ठीक है, ये लेंथ ऑफ द स्केल किससे डिसाइड होती है कि उस स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है और उस स्केल से हम कितना बड़ा डायमेंशन मेजर कर सकते हैं. इन दोनों का प्रोडक्ट हमें स्केल की लेंथ देता है कि इतना बड़ा स्केल बनेगा आपका उसके लिए. ठीक है, ये चीज समझ में आई यहां तक. यस सर. या कोई डाउट है इसमें. किसी को डाउट है. नो सर. नो सर. ये तीन इंफॉर्मेशन हमें चाहिए. यदि तीन इंफॉर्मेशन है तो फिर ये हम स्केल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इन स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जरूरी ना. फुल साइज का स्केल बनाना है या छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, मेजर क्या करना है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, इंच रहेगा कि सेंटीमीटर रहेगा कि मिलीमीटर रहेगा, और कितना बड़ा स्केल ड्राइंग शीट पर बनाऊं. क्या मैं पूरा ड्राइंग शीट पर इतना बड़ा स्केल बना दूं या एक छोटा स्केल बनाऊं, तो उसकी उसकी लेंथ क्या रहेगी. ये हम इस तरह से इसकी लेंथ ऑफ द स्केल निकालेंगे. ठीक है, तो ये ग्राफिकल स्केल्स और ये इंफॉर्मेशन. अब इसको यूज करके हम प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, डायगोनल स्केल का सीखेंगे, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल ऑफ कॉर्ड्स बनाना सीखेंगे, और फिर उसे मेजरमेंट लेना भी हम सीखेंगे कि कैसे मेजरमेंट लें या ड्राइंग कैसे बनाएं. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा हम एक्सटेंड आगे नहीं कर सकते. सो अब आज के लिए इतना ही. यू टाइप योर अटेंडेंस. थैंक यू सर. थैंक यू.